हाय हेलो नमस्कार मुझ जसमंत आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर आउ इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आउ हाँ आज आम भिडियो कौन कथा जाऊे दैट इज साइकोलॉजी। ठीक अच्छे तो मोस्ट पॉसिबल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आम साइकियाट्रिक नर्सिंग डिस्कसन करवा। तो भिडियो को लास्ट जाए देखो। आउ हाँ आम ये बहुत गुड़े क्लासेस डिस्कसन कर सारे जदि आपने भिडियो सब देखापी चाहूँ तले डिस्क्रिप्सन में सब भिडियो लिंक अच्छे आपने जाकि देखिपारे ना चैनल को निश्चिंत भिजिट करेंगे। आउ हाँ जब आपको भिडियो भल लगे निश्चिंत लाइक करूँ कमेंट करूँ आप सांग सहित आपंका सब ग्रुप भिडियो को शेयर कर दिंतु जमीक सब पिला ये भिडियो हेल्पफुल पारे। सब भिडियो भाई आम आपको ये भिडियो दुईट क्वेश्चन पचारूँ जोटा कि पांच नंबर आप गोटे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आउ नौ नंबर गोटे नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो देखा केत पिला रईट आन्सर जना आ हाँ जब आपको ये दुईट क्वेश्चन रईट आन्सर जना था तो आपंत सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम आपंकर कमेंटर अपेक्षा रुच्छ निश्चित आपंकर कमेंटर रिप्लाय देव। आ गोटे इंपोर्टेंट कथ यहाँ हम फोनपे पेटीएम नंबर जब आपको भिडियो टीके भल लगे टीके भी इंटरेस्ट लगे देन आम हार्डवर्क को आपने सपोर्ट करने चाहूँ देन आपड़ी किसी भी अमाउंट आपंकर कैपेबल अनुसार पेमेंट करेंगे। आउ हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट कथ जब आपड़ी किसी भी अमाउंट पेमेंट कर देन तार स्क्रीनशॉट आम यही नंबर में व्हाट्सएप होती आमको पठात देन आम आपको स्क्रीनशॉट पाइबापर आप गोटे इंटरेस्टिंग ग्रुप में आड करदेव जो थे कि आम किसी एग्जाम रिलेटेड टीप्स आपको डाउट जहाँ रहा आपको पचार पारे आउ किसी क्वेश्चन आंसर पीडीएफ आपको निश्चिंत प्रोवाइड करूँ। तो ठीक अच्छे जो मैंने भी ये पेमेंट करते तार स्क्रीनशॉट आमको शेयर कले आम आपको से इंटरेस्टिंग ग्रुप में निश्चिंत आड करदेव। आज जब आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जॉइन ना डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जल्दी जल्दी विजिट करूँ आउ शीघ्र जॉइन होतु से आम किसी भी अपडेट किसी भी न्यू वीडियो छाड़ू आपने सर्वप्रथम पारे। आज जब सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ बेल आइकन को ऑल रखु। तो आसतु आज इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करवा। तो आज क्लास को स्टार्ट करने पूर्व गत जो पूर्व वीडियो में आपको दुईट क्वेश्चन पचार थी तरह राइट आंसर पर करके देखो। तो फास्ट क्वेश्चन में आपको कौन थी आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव सोन इन द इमेज। ठीक अच्छे तो यही जो इमेज में कंट्रासेप्टिविटी एटा कौन बोली आपको कहबार था। ठीक अच्छे ऑप्शन कौन देता ना डच कैप ना एटा सर्वाइकल कैप ना एटा फाजाइनल कैप ना एटा डायफ्राग्राम। ठीक अच्छे तो यही चार्ट ऑप्शन भितर आपको राइट आंसर बाछबार था। बहुत पिला भावी राइट आंसर दे किसी पिला भी कन्फ्यूज होकर रंग आंसर दे। ठीक अच्छे तो राइट आंसर आपको कह रखुच्छे देखो। तो ये आम कौ इमेज दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज भाजाइनल स्पंज। ठीक अच्छे तो देखो भलसे यहाँ हूँ कौन दैट इज भाजाइनल स्पंज। ठीक अच्छे तो बहुत पिला कन्फ्यूज होते कि डायफ्राग्राम हम बोली तो मुझे आपको कह रखुच्छे डायफ्राग्राम जमा भी हेनी डायफ्राग्राम इमेज केमी मुझे निश्चित देखेदेवी। तो ये आसतु आम भाजाइनल स्पंजर एक्सप्लेनेशन को देखा। तो देखो कौन कहला ना भाजाइनल स्पंजेस आर ऑफर वुमेन कंट्रोल ओवर प्रोटेक्शन एग्नेस्ट बोथ प्रेग्नेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज एसटीडीज इनक्लूड्स एचआईवी स्पर्मिसाइड इम्प्रेग्नेटेड स्पंजेस कंबाइन द एक्शंस ऑफ ए फिजिकल बैरियर दैट ब्लॉक्स द सर्विक्स विथ ए मटेरियल दैट अब्जर्व द इजाकुलेट एंड स्पर्मिसाइड। देखो कौन कहला ना भाजाइनल स्पंज कौन करे ना आम प्रोटेक्शन करें बोथ प्रोटेक्शन करें आम दुईटा प्रोटेक्शन करता है। कौन प्रोटेक्शन करता है ना प्रेगनेंसी को भी प्रोटेक्शन करे आउ किसी आम जो रहा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थाए भी प्रोटेक्शन करें। ठीक अच्छे तो मेनली कौन हुए ना यहाँ आम कौन हुए ना स्पर्मिसाइड भितर थाए जोटा कि आम स्पंज भितर किसी स्पर्मिसाइड आम यूज करा कौन करे ना आम जो रहा इजाकुलेट स्पर्म रहा सेटा को सी पूरा मारिदे थाए देन आउ गोटे कौन करे ना जो फिजिकली कौन करे ना बैरियर दैट ब्लॉक द सर्विक्स। ठीक अच्छे तो आम कौन करूँ ना ये भाजाइनल स्पंज टी रहा भाजाइनल स्पंज टा आम कौटी इम्प्लांट करोटा कि आम सर्विक्स र पूरा फ्रंट में आम इम्प्लांट कर। ठीक अच्छे तो सर्विस फ्रंट में आम जो इम्प्लांट करुचे जदि आम कि स्पर्म जाऊँ तो आम टोटाल आउ सर्विक्स भितर को जीवार चान्स जमा ना। ठीक अच्छे तो यही दुईट उपाय सी आम हेल्पफुल करें कौन दैट इज आम प्रेगनेंसी को भी कंट्रोल करेंगे आउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिभेन्ट करेंगे। ठीक अच्छे तो देखो आपको इमेज देखिए देखो ये रहा कौन दैट इज आम भाजाइनल स्पंज आम से किसी कौन ने दैट इज किसी स्पर्मिसाइड ने। ठीक अच्छे तो आम केमी यूज करवा दैट इज आम से जो रहा स्पंजटा से स्पंजटा यहाँ हूँ आम कौन दैट इज आम सर्विक्स। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आम भाजाइना यहाँ हूँ सर्विक्स तो आम भाजाइना को भाजाइना पट देकर सर्विक्स रो आम फेस रही इम्प्लांट कले जोटा कि कौन है ना आम कि भी स्पर्म जाऊन आम आउ सर्विक्स को देकर जीवार ना चान्स। ठीक अच्छे तो भाजपा आप निश्चित बुझीपारे आउ ये जो लूपटा देखो ये जो लूपटा देखे कौन करना जिते आम यूज सरीगला देन आम धरिकी कौन करता धरिकी सैज्रे आमको आने को पड़ता है। ठीक अच्छे भावी आप निश्चित बुझीपे इमेज टी तो देखो ये आम कौन रईट आन्सर है दैट इज भाजाइनल स्पंज। ठीक अच्छे जमा भी कन्फ्यूज होनी आपको देखे दूसरी डायफ्राग्राम इमेज।
तो देखो यहाँ हूँ आम कौन दैट इज डायफ्राग्राम ठीक अच्छे। तो जोटा कि डायफ्राग्रामा थाए टे आम होलो थाए बाटे आम गाड़ुआ थाए ठीक अच्छे। जोटा कि आम भाजाइनाल स्पंजा जोटा कि आपको मुझे देखेली कौटा दैट इज आम यहाँ हूँ भाजाइनाल स्पंज ठीक अच्छे। तो भाई जब आप निश्चिंत बुझी जाइए आम भाजाइनाल स्पंज आ तार यूजेस केमी कौन आम एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन थी ना ए आर टी स्टैंड्स फॉर ए आर टी आम कौन मैंने स्टैंड करे बा तार आब्रिविएशन कौन ये आपको पचार ठीक अच्छे। ऑप्शन कौन देता ऑप्शन ए आंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ऑप्शन बी आंटी रेट्रोवायरल थेरापी आंटी रेहेसस ट्रीटमेंट ऑल रेट्रोवायरल थेरापी ठीक अच्छे। तो भाई ये 99% पिला कमेंट राइट आंसर देखते जोटा कि राइट आंसर कौन दैट इज ऑप्शन बी दैट इज आंटी रेट्रोवायरल थेरापी ठीक अच्छे। तो आंटी रेट्रोवायरल थेरापी को आम शॉर्ट फॉर्म में कौन कहता दैट इज ए आर टी ठीक अच्छे। ए आर टी को आम आंटी रेट्रोवायरल थेरापी कही था यहाँ मेनली कौन हुए ना आमर एटा एच आई वि ट्रीटमेंट रे यूज होता है ठीक अच्छे। तो आर फुल एक्सप्लेनेशन मुझे देखी चुकी देखो तो कौन कहला ना एच आई वि ट्रीटमेंट जोटा रहा आंटी रेट्रोवायरल थेरापी और ए आर टी इनवल्व टेकिंग मेडिसीन आज प्रेस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर एच आई वि ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एच आई वि इन योर बॉडी एंड हेल्प्स यू स्टे हेल्दी देर इज नो क्योर फॉर एच आई वि बट यू कैन कंट्रोल इट विथ एच आई वि ट्रीटमेंट ठीक अच्छे। तो कौन कहला ना आम एच आई वि ट्रीटमेंट जोटा कि आम कौन कही था दैट इज आम आंटी रेट्रोवायरल थेरापी बोली कही था ठीक अच्छे। तो यहाँ मेनली आम कौन हुए ना यहाँ आम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आमको यहाँ प्रेस्क्राइब कर जाए जोटा कि गोटे गोटे टाइप मेडिसिन। तो आम किसी मेडिसिन नौ जोटा कि कौन कैना एच आई वि ट्रीटमेंट पर आम यूज होता है। तो आपने जानते हैं एच आई वि तो जमा भी मैंने केवे भी पूरा क्योर हेनी। तो एच आई वि जो सब रहा किसी कम्प्लिकेसन जोटा कि आम कौन क्या दैट इज डिक्रीज करेंगे ठीक अच्छे। भाजपा आप निश्चित बुझे पार्थिवे। तो आसंतु आज इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करियो। आज क्लास रो फास्ट क्वेश्चन देखो आप कौन अच्छी साइकेट्रिक नर्सिंग क्वेश्चन नंबर वन द प्यारट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स इज नोन एज ठीक अच्छे। तो देखो भले से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत पे मानक कमेंट आसाला कि आमको साइकेट्रिक नर्सिंग क्वेश्चन आंसर आनंदु ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन हुए ना आम साइकेट्रिक नर्सिंग मेनली एक्सप्लेनेशन करा टी हार्ड हुए तथा तो मुझे आज बहुत गुड क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी। हाँ जब आपको भल लगे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करूँ निश्चिंत थैंक यू बोली गोटे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिखाँ ठीक अच्छे। तो कौन कहला देखो तो प्यारट लाइक रिपीटेशन कौन कहला ना आम सुआ भाई मानते जड़े मनीष जहाँ कहला आम रिपीट करने को आम कौन बोली कही था ठीक अच्छे। तो ऑप्शन देखो एको प्राक्सिया ना आफासिया ना एकोलालिया ना नियोलोगिज्म ठीक अच्छे। तो यही चार्ट ऑप्शन भितर जब आपको राइट आंसर जना था सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। कौन कहला ना प्यारट लाइक रिपीटेशन कौन कहला ना आम जड़े जदि गोटे जिनस कहूँ आम रिपीटेडली कहूचे आम कौन बोली कह ठीक अच्छे। तो देखा कैसे पाला राइट आंसर कहते आर राइट आंसर कौन हम आपको कह रही देखो दैट इज द एक नंबर राइट आंसर इज सी दैट इज एकोलालिया ठीक अच्छे। एकोलालिया माने कौन दैट इज प्यारट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स ठीक अच्छे। तो भाजपा आप निश्चिंत बुझीपारे देखो एको प्राक्सीआर माने कौन एको प्राक्सीआ हूँ कौन दैट इज रिपीटेशन ऑफ एक्शन ऑफ अनदर पर्सन देखो यहाँ कौन है ना रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर पर्सन किंतु एको प्राक्सीआ कौन रिपीटेड एक्शन मन कर जड़े कौन कला जड़े तार मुंड छुईला आउ जड़े से जो पर्सनटा रहा कौन हम ना सी भी मुंड छुईब जोटा कि एको प्राक्सीआ जीव ठीक अच्छे। देखो तो आफासीआ मैंने कौन आपने जानते आफासीआ मैंने कौन दैट इज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग ठीक अच्छे जोटा कि आफासीआ। नेक्स्ट नियोलोगिज्म कौन नियोलोगिज्म कहले कौन ना गोटे ए न्यूली कॉइंड वर्ड ठीक अच्छे। न्यूली कॉइंड वर्ड कहले कौन ना गोटे जमी एग्जांपल आपको दूसरी गोटे जन गोटे अच्छी कौन ना मैन गोटे अच्छी वर्ड देन अच्छी कौन गोटे वर्ड दैट इज एक्सप्लेन गोटे आपंकर से जो व्यक्ति रही सी गोटे मैन आउ एक्सप्लेन को लेकर कौन करदे ना मैंसप्लेन मैं यही टाइप रोटे गोटे न्यूली कॉइंड वर्ड को क्रिएट करने को आम कौन बोली कही था दैट इज नेलोगिज्म कही था ठीक अच्छे। तो आम जो राइट आंसर है दैट इज एकोलालिया मैंने कौन दैट इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जोटा कि आम आउ जड़े कही आम रिपीट करे दैट इज द एकोलालिया ठीक अच्छे। आपंकर ऑप्शन सब निश्चिंत बुझीपारे। तो आसतु एवं एक्सप्लेनेसन देखा तो एक्सप्लेनेसन देखो कौन कहला ना एकोलालिया इज द रिपीटेशन और इकोइंग ऑफ वर्ड्स और साउंड्स दैट यू हियर समवन एल्स से इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। एकोलालिया कैन ऑल्सो बी ए साइन ऑफ ऑटिज्म और डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी इन चिल्ड्रेन और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन एडल्ट।
ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଇକ୍ୱାଲିଆ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ମନେକର ଜଣେ ପର୍ସନ୍ କହିଲା କି ମୁଁ ଏଠିକି ଯାଉଛି ତ ସେ ଯେଉଁ ତା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ଟି ଥିବ ସିଏ ବି କହିବ ମୁଁ ଏଠିକି ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଯେଉଁ ରିପିଟେଡ୍ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକୋଲାଲିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ମାଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେନଲି ଇକୋଲାଲିଆଟା ମେନଲି କିଛି କେସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଇକୋଲାଲିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ କହିଲା ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ତମେ ଯାଉଛ କି ଦେନ୍ ସିଏ ବି କହିବ ସେମିତି ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ମାନେ ଏଇ ଭଳିଆକୁ ମାନେ ରିପିଟ୍ କରିବ ଯାହା ଜଣେ କହିବ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକୋଲାଲିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ତ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫିୟର ଅଫ୍ ମେନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଫିୟର ଅଫ୍ ମେନ୍ ଆମେ ପୁରୁଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଡରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଗାଇନୋଫୋବିଆ ନା ମୋନୋଫୋବିଆ ନା ନୋକ୍ଟିଫୋବିଆ ନା ଆଣ୍ଡ୍ରୋଫୋବିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖିବା କେତେ ପିଲାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଫିୟର ଅଫ୍ ମେନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଫୋବିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୋ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୋ ମିନ୍ସ ମେନ୍ ଫୋବିଆ ମିନ୍ସ ଫିୟର ତ ଫିୟର ଅଫ୍ ମେନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଫୋବିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଗାଇନୋଫୋବିଆ କହିଲେ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଗାଇନୋଫୋବିଆ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଫୋବିଆ କ'ଣ ମନୋଫୋବିଆ କହିଲେ ଫିୟର ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅର୍ ଆମର କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋନ୍ଲିନେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛେ ଦେନ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭୟ ହୁଏ ଯେଉଁ ଫୋବିଆ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମନୋଫୋବିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ନୋକ୍ଚିଫୋବିଆ ନୋକ୍ଚିଫୋବିଆ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଫିୟର ଟୁ ନାଇଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋକ୍ଚିଫୋବିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଅପସନ୍ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରହିଥିବ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହୁନି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏସବୁର ଯେଉଁ ଫୋବିଆ ଦେଇଛି ତାର ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖିବା ତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ କହିଲା ପିପୁଲ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଫୋବିଆ ହାଭ୍ ଏ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଫୋବିଆ ମିନ୍ସ ଫିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ରୋସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଫୋବିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅର୍ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଫର୍ ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ଇଭିନ୍ ଇମେଜେସ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫୋବିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଣ୍ଡ୍ରୋସ୍ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଫୋବିଆ ମିନ୍ସ ଫିୟର୍ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଫୋବିଆ ମାନେ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆଉ ଫିୟର୍ ପଳେଇ ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରୋଫୋବିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ତ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବି ଇଲ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ କହିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ତ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବି ଇଲ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର କିଛି ବି ଆମେ ଇଲ୍ ହେଇନଥିବ ବା ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇନଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ମାନେ ବିହେଭିଅର୍ କରିବା କି ହଁ ମୋତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ବା ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଇକୋଟିକ୍ କହିବା ନା ମାଲିଗ୍ନେରିଂ କହିବା ନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ରିଏଲିଟି କହିବା ନା ୟୁଜ୍ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଡିଫେନ୍ସ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବି ଇଲ୍ ତ ଆମର କିଛି ହେଇନଥିବ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କି ମୋର ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି କି ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ମାଲିନଜରିଂ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ତ ମାଲିନଜରିଂ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମର କିଛି ବି ହେଇନଥାଏ ଆମେ ବିହେଭିଅର୍ ସେଇଭଳି କରୁ କି ହଁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ମାଲିନଜରିଂ ଇଜ୍ ଫାଲ୍ସିଫିକେସନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାଗରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲନେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟୁ ଗେନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଆଭଏଡିଂ ୱାର୍କ ଅର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସିକିଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଭଏଡିଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସିକିଂ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆଭଏଡିଂ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଲିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପେଡ୍ ଲିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଜବ୍
among others. देखंतु interestingly कोन देइछि जरिंग जोटा कि कोन लागै छि falsification जोटा कि हम मिछरे कहि के रहितौ हमर किछि भी इल हे नथिबो बा हमर किछि भी फिजिकल और मेंटल इलनेस हे नथिबो किंतु हम मिछरे कहि कि जो हम रहितौ एक्सक्यूज करितौ तो सेटा को हम मैलेंजरिक बोली कहितौ जोटा कि हमर मेनली कोन ना अवॉइडिंग वर्क तो किछि हमर काम अछि किंतु हम जोटा कि करिने तो हम ताको कोन कहबो ना मोर देह खराब हेतला तो मु सेति पई करि पानि जोटा कि किछि हे नथिबो किंतु से केस रे से कहउछन्ति तो सेटा होजु कोन दैट इज मैलेंजरिंग जोटा कि देखंतु सिकिंग ड्रग्स किछि हमर मेडिसिन नबार थिबो किंतु जनने थांदी कि नाना मु मेडिसिन नेबिनि मोर मुंड बुलाउछि ये होउछि तो एया को कोन कहंती दैट इज मैलेंजरिंग कहंती देखंतु एटी सब जेमती एग्जांपल देइछि सिकिंग अटेंशन अवॉइडिंग मिलिटरी सर्विस लीव फ्रॉम स्कूल यदि आपन किछि स्कूल रु छुट्टी नबार अछि कि आपन माने जानिथिबे निश्चिंत आपन माने जो कहंती कि मोर देह खराब अछि मोर ज्वर होउछि तो कि मु स्कूल जिबिनि आज मो देह भल लागुनि तो याकु कोन कहंती दैट इज मैलेंजरिंग ठीक अछि तो भलो से देखंतु इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आपन पई नै आसी तो मैलेंजरी कौन है दैट इज आमर कौन दैट इज प्रिटेंडिंग टू इल मैंने आमर किसी भी हो नथिबो बाकी आम फॉल्सली कौन करवा ना आम इल अच्छे आम कहीकि जो आम एक्सक्यूज ना तो आम मैलेंजरी कही था ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन देना ह्वाट इज द टोटाल स्कोर इन मिनिमेंटाल स्टाटस एक्जामिनेसन जोटा कि रहा कौन दैट इज आमर एम एम एस इ ठीक अच्छे तो आमर मिनिमेंटाल स्टाटस एक्जामिनेसन आमर कौन मैंने केते स्कोर थाए ठीक अच्छे टोटाल केते स्कोर थाए ये आपको कहार अच्छे ठीक अच्छे देखा कैसे पे टेनस जहाँ अच्छी ऑप्शन देखु ऑप्शन ए 15 ना 20 ना 25 ना 30 ठीक अच्छे तो आमर मिनिमेंटाल स्टाटस एक्जामिनेसन टोटाल स्कोर केते ये आपको कहार अच्छे जदि आपको रईट आनसर जना था तेज़े सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो रईट आनसर कौन हम आपको कही रखुची आर फुल्ली एक्सप्लेनेशन करदेवि जमी आपने टोटाल बुझीपारे तो देखो रईट आनसर इज ऑप्शन डी दैट इज 30 ठीक अच्छे तो आम मिनिमेंटाल स्टाटस एक्जामिनेसन टोटाल स्कोर केट इज टोटाल होमर 30 स्कोर ठीक अच्छे तो आपको मुझे देखे दूसरी एक्सप्लेनेसन देखो पूरा भल से देखो जमी आप निश्चिंत मन रहा देखो कौन दे तो मिनिमेंटाल स्टेट एक्जामिनेसन और फुलस्टेन टेस्ट तो आम फुलस्टेन टेस्ट बोली कही था ये 30 पॉइंट क्वेश्चनरी दैट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग टू मेजर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ टू स्क्रीन ऑफ फॉर डिमेंशिया कौन कहला जो आम रहा मिनिमेंटाल स्टाटस एक्जामिनेसन मिनिमेंटाल स्टेट एक्जामिनेसन तो सेटा आमर कौन हुए ना तार स्कोर हूँ 30 देन सेटा कौन पे यूज होता है दैट इज टू मेजर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ठीक अच्छे आपको ये क्वेश्चन भी आसपा कि मिनिमेंटल स्टाटस एक्जामिनेसन कौन मैंने कहापाई आम मेजरमेंट करूँ तो राइट आंसर इज मेजर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ठीक अच्छे तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को मेजर करने मिनिमेंटल स्टाटस एक्जामिनेसन आम करूँ जोटा कि देखो आपको मुझे देखे दूसरी भलसे तो कौन कहला आम क्या क्या नहीं करता देखो मिनिमेंटल स्टाटस एक्जामिनेसन जोटा कि आम जो सब टेस्ट रहा आम क्या नहीं करता देखो ओरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी देन रजिस्ट्रेशन देन रहा कौन दैट इज रिकॉल देन रहा कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी देन रहा लैंग्वेज देन रहा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो कमांड्स जमी आम जीसीएस रहा जीसीएस स्कोर आप जानते हैं 15 तार जमी सब अंडर जो भाई भाव से सब आसे स्कोर के कौन तो यहीटा भी सेमती आम स्कोरी अच्छी तार तो आपको मुझे देखे दूसरी तो देखो आम कौ पॉइंट को नहीं आम स्कोरी करूँ आपको भलसे देखे दूसरी देखो जब आपको ये भलसे देखा जाऊनी तो जल्दी जल्दी व्हाट्सअप मत मेसेज करूँ मुझा भी आपको निश्चिंत प्रोभाइड करदेवि ठीक अच्छे तो देखो ये कौन कहला देखो कौन कहला द मिनिमेंटाल स्टेट एक्जामिनेसन जोटा कि देखो ओरिएंटेशन फास्ट आसला कौन ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन में आपको पांचटी देवार अच्छे कौन ना ईयर मंथ डे डेट सीजन ये पांचटा जी कहीदे देन पांच मार्क से पाइब आदि गोटे दुईटा कहला देन से भाव जमी गोटे कि दुईटा सी एरू पाइला तो फास्ट आपंकर रहा कौन दैट इज ईयर मंथ डेट आउ सीजन जोटा कि पांच मार्क ठीक है बा पांच पॉइंट जोटा कि देखो तापर कौन ना कंट्री जोटा कि रहा काउंटी देन रहा टाउन देन रहा हॉस्पिटल देन वार्ड तो से कौटी अच्छा कंट्री कौन ए सब कुछ नहीं करें पांच मार्क ठीक अच्छे तो देखो यहाँ हूँ पांचटा पॉइंट यहाँ हूँ आम पांचटा आम स्कोर तो यही भाव जदि आपको से दुटा रईट आनसर देन आपंकर स्कोर हम से दुई तो ठीक अच्छे देन कौन रहा देखो देन रहा कौन दैट इज रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में कौन रहा ना एग्जामिनर नेम्स थ्री ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल एप्पल पेन एंड टेबल
पेसेंट आस्क टू रिपीट ऑब्जेक्ट्स वन पॉइंट फॉर इच ठीक अच्छे तो आपको कौन कहला ना गोटे एग्जामिनर जो मैंने भी आम मिनिमेंटल स्टाटस एग्जामिनेसन करुवे से कौन करेंगे ना तीन टा ऑब्जेक्टर ना कहे जमीक आप आपल पेन आउ टेबुल तो पेसेंट कौन कर जो ऑब्जेक्ट को रिपीट कर ठीक से करदे देन तार स्कोर रहा तीन देन देखो अटेंशन अटेंशन कौन कहला ना सब्सट्राक्ट सेवेन फ्रम हंड्रेड देन रिपीट फ्रम रिजल्ट स्टॉप आफ्टर फाइव सब्सट्राक्शन आंसर कौन कहला ना आपन को कहबार अच्छी कौन ना शहे रु सात लेखा माइनस करके आसतु ठीक अच्छे केते हम देखो जोटा कि आंसर कौन पाइबार अच्छे ना तेयानबे छयाशी देन रहा सेवेन्टी नाइन देन रहा सेवेन्टी टू देन रहा सिक्सटी फाइव तो आपको जब पांचटा से बैकलि सब्सट्राक्टिंग करदे देन आम स्कोर देखो ये एट इज पाँच ठीक अच्छे देन आपड़ ये आम वार्ड भी कहींपरेंगे जोटा देखो अल्टरनेटिवली इफ पेसेंट एयर्स और सब्सट्राक्शन गेट देम टू स्पेल वार्ड्स बैकवर्ड दैट इज आमर कौन वर्ल्ड वर्ल्ड बैकवर्ड देखो डी एल आर ओ डब्ल्यू जदि पेसेंट कहीदे देन तार स्कोर पाँच ठीक अच्छे तो आटेनसन आपर के दैट इज स्कोर पाँच ठीक अच्छे तो भाव आटेनसन टा बुझीगले देन देखो कौन देना रिकल रिकल देखो कौन देना आस्क फर दि नेम्स अफ दि ऑब्जेक्ट्स लॉन्ड एलियर जोटा कि आपन को पूर्व पचराई जोटा कि जो ऑब्जेक्ट जो तीन टा तो सेटा को आपन को रिकॉल करिवार अछि सेटा को आपन को पचरिवार अछि कि सेतेबेले कोन पचराइतला गो बोली जदि से सब कथा कहि दउछि देन टार स्कोर रहला केते 3 देन देखंतु लैंग्वेज नेम ए पेंसिल एंड ए वॉच दैट इज रिपीट नो इफ्स एंड ऑर बट्स तो आपन को एटी किछि माने लैंग्वेज कहिवार अछि जोटा कि हमर रिपीट करिवार अछि देन टार स्कोर रहइबो केते दैट इज 2 देन देखो जोटा कि आम रिपीट करार अच्छी नो इफ्स और एंड और बट्स जोटा कि तार स्कोर रन देन देखो तापर कौन देना ना गिविंग ए थ्री स्टेज कमांड स्कोर वन फॉर इच स्टेज जोटा कि आपको तीन टा गोटे म्यूचुअल करके आपको गोटे कमांड देवार अच्छे देखो फॉर एग्जांपल टेक दिस पीस ऑफ पेपर इन योर राइट हैंड फोल्ड इट इन हाफ एंड प्लेस इट ऑन टेबल देखो गोटे लॉन्ग गोटे आम फ्रेज दिया जो जोटा कि आम तीन टा कंबाइनेशन थी जोटा कि आपन को सीटा करार अच्छे जदि आपटा करदे देन आप स्कोर रहा तीन ठीक अच्छे जोटा कि आप स्कोर रहा दैट इज तीन देन देखो नेक्स्ट कौन रहा आस्क पेसेंट टू रीड एंड ओबे ए रिटिन कमांड अन ए पीस ऑफ पेपर देखो आप गोटे पेपर में लिखबार अच्छी गोटे जिनस जोटा कि से पेसेंट रीड करके देखो ये ऑप्शन गोटे एग्जांपल दे दीजिए कौन दैट इज क्लोज योर आईज जदि पेसेंट लिखाई क्लोज योर आईज जदि पेसेंट क्लोज आईज करुच्छे देन तार गोटे स्कोर से पाइब ठीक अच्छे देन देखो आस्क पेसेंट टू राइट ए सेंटेन्स स्कोर करेक्ट इफ इट हाज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब तो कौन कहला ना पेसेंट को गोटे सेन्टेन्स लिखबार अच्छी ठीक अच्छे आई एम गोइंग हो कि आई एम गोइंग टू मार्केट जहाँ भी गोटे लिखबार अच्छे जोटा कि तार सब्जेक्ट आउ वर्ब अच्छी मानते ठीक रहीबार अच्छी जदि ठीक थाए तार स्कोर रहा एक ठीक अच्छे तो नेक्स्ट कौन कहला दैट इज कॉपिंग कॉपिंग कौन ना आस्क पेसेंट टू कॉपी इंटरसेक्टिंग पेंटागन स्कोर आज करेक्ट इफ दे ओवरलैप एंड इच हाज फाइव साइड्स ठीक अच्छे तो तार स्कोर रहा वन आपन को कौन कहार अच्छे ना पेसेंट को कहार अच्छे कौन गोटे पेंटागन करवाई जोटा कि पंचभुज करवाई जोटा कि ओवरलैप होम इंटरसेक्टिंग हो ठीक अच्छे तो देखो आपको मुझे रखुच्छी एटा रहा कौन दैट इज आमर पेंटागन ठीक अच्छे जोटा कि रहा है पेंटागन देखो पेंटागन में कौन हो यही भाव इंटरसेक्टिंग करदी इंटरसेक्टिंग करुच्ची आउ पेंटागन रचटा अच्छी देन आपंकर स्कोर हे दैट इज वन ठीक अच्छे तो ये सब कुछ मिसाई देखे आम टोटल स्कोर हम 30 आउ देन जो भाव पेसेंट स्कोर कर तार से भाव स्कोर हम जहाँ भी रहा तार 30 रु सब मेजरमेंट हम ठीक अच्छे तो आउ थे कहूँ जदि आप फोटोटी दरकार इमेज टी दरकार आपठी भलसे देखा जाऊनी जल्दी जल्दी मतलब ह्वाट्सअप मेसेज कले आपको निश्चिंत सेंड करदेवि ठीक अच्छे आउ गोटे कथा देखो ये आम स्कोर देखो 24 रु जदि 30 रोच ठीक अच्छे 24 रु जदि 30 रोच देन आम कौन नो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट तो आम कि भी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है जदि 18 रु 23 रोच देन कौन ना आम माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट जोटा कि माइल्ड अच्छी देन जब 0 रु 7 रोच देन सीवियर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट तो ठीक अच्छे भाजी आप निश्चिंत क्वेश्चन टी बुझीपारे तो जमा भी बोरींग हूँ ना निश्चिंत कनसनट्रेट कर पढ़ु टी साइकोलॉजी टी आप हार्ड हम बुझापी तो भल से टी रिपीट करके देखो निश्चिंत आपने बुझीपारे ठीक अच्छे तो देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जोटा कि आपको राइट आंसर कहार अच्छी पांच नंबर क्वेश्चन देखो कौन देखिए देखो फियर ऑफ सिचुएशन शोन इन द फोटोग्राफ इज नोन एज ठीक अच्छे तो ये जो इमेज टी
ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଫିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ ଏଇଟା, ନା ଏଇଟା ଜେନୋଫୋବିଆ, ନା ଏଇଟା ଆନ୍ଥୋଫୋବିଆ, ନା ଏଇଟା ଆଲଗୋଫୋବିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟି ରହିଲେ ଇଏ ଆମର କାହାକୁ ଫିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଫିୟର୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଫୋବିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଓ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରାଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ନା ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଲାଭ୍ସ 1 minute ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଏଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ଲିଅର୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ କ'ଣ କହିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ନା ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହୁ ଲାଭ୍ସ 1 minute, ମାନେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବି କ୍ଲିଅର୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କୁ, ତଥାପି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ହସୁଛନ୍ତି, କି ହସୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଏଇଟା ଇନକନଗ୍ରେଣ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ, ନା ଏଇଟା ଲାଭେଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ, ନା ଏଇଟା ୟୁଫୋରିଆ, ନା ଏଇଟା ସ୍ପିଲ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କହିଲା, ନା ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ଯଦି କିଛି ବି କ୍ଲିଅର୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ନାହିଁ, ସେ ହସୁଛି କି ସମୟ ପରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଭିଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି? କ'ଣ କହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଭିଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଲାଭେଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ଲାଭେଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହାଉ ଏ ପର୍ସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେୟାର ଇମୋସନ୍, ଏ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାଇଟ୍ ଆଇଦର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଇମୋସନ୍ସ ଏକ୍ସେସିଭ୍ଲି ଅର୍ ସୋ ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇମୋସନ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ, ଫର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁ ମାଇଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଲାଫିଂ ଅର୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଆଟ୍ ଏ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ଅର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ସ୍ୟାଡ୍ ଅକେଜନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି କ'ଣ କହିଲା, ନା ଲାଭେଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା କ'ଣ, ଆମର ଇମୋସନ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରେ, ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ର ଇମୋସନ୍କୁ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ, କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଭେଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ନା ଇମୋସନ୍ଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଆମର ପେସେଣ୍ଟର ବା ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ରହିଲା ତାର କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଇମୋସନ୍ସ ଏକ୍ସେସିଭ୍ଲି, ତାର ଇମୋସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଏ, ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇମୋସନ୍ ଦେଖାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇମୋସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟେ ଦେଖେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହସିବାର ନଥିବ, ଆପଣ ସେଠି ହସୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିବାର ନଥିବ, ସେଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମାଇଲିଂ ଆଟ୍ ଏ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ଅର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ସ୍ୟାଡ୍ ଅକେଜନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ମାନେ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ହସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଭେଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଲାଭେଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ କ'ଣ, ଏଠି ଆମର ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇମୋସନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ଲି ଆମେ ଯଦି ଇମୋସନ୍ ସୋ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଲାଭେଲ୍ ଆଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ନା କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆ ମିନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆର ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାର ଅଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ଇରେଜିଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଜାୟର୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଫାୟାର୍, ଅପସନ୍ ବି ଇରେଜିଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଜାୟର୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଅପସନ୍ ସି କମ୍ପଲ୍ସିଭ୍ ହେୟାର୍ ପୁଲିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ୍ ଗାମ୍ବ୍ଲିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ନା କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆର ମାନେ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି? କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆର ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଥାଏ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆର ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇରେଜିଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଜାୟର୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ତ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଆମର ଇରେଜିଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଜାୟର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥିବେ, କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ବହୁତ ମାନେ ପର୍ସନ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନଥିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇରେଜିଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଜାୟର୍, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜାୟର୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଜମା ବି ରୋକି ପାରୁନଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଚୋରି କରୁଥିବେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆ ଇଜ୍ ଦ ରିକରେଣ୍ଟ ଇନାବିଲିଟି ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ ଅର୍ଜେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଜେନେରାଲି ଡୋଣ୍ଟ ରିଏଲି ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ହାଭ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆ ଇଜ୍ ଏ ରେୟାର୍ ବଟ୍ ସିରିୟସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଡିଜର୍ଡର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କଜ୍ ମଚ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ପେନ୍ ଟୁ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଲଭ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଇଫ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରିଟେଡ଼। କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲେପ୍ଟୋମାନିଆରେ ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନଥିବ ବା ଆପଣ
କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିପ୍ଟୋମାନିଆ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଉଜୀ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଡିଜର୍ଡର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିପ୍ଟୋମାନିଆ। କ୍ଲିପ୍ଟୋମାନିଆର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇରେଜିଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଡିଜାୟାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କରଉଥିବ ବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଜମା ବି ବିରୋଧ କରୁନଥିବ, ମାନେ କ'ଣ ନା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଦରକାର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ହେଉଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିପ୍ଟୋମାନିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଆର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲା ନା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଆମର କେତେଟା, ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2 ନା 4 ନା 5 ନା 6। ତ କେତେଟି ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ କେତେଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 5 ଷ୍ଟେଜେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ କେତେଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 5। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ସ୍ଲିପ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ 5 ଷ୍ଟେଜେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ୱେକ୍, ଦେନ୍ ରହିଲା N1, N2, N3 ଆଣ୍ଡ REM। ଷ୍ଟେଜ୍ N1 ଟୁ N3 ଆର୍ କନ୍ସିଡର୍ ନନ୍ ରାପିଡ୍ ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା NREM ସ୍ଲିପ୍। ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ଲି ଡିପର୍ ସ୍ଲିପ୍, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି 75% ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ NREM ଷ୍ଟେଜେସ୍, ୱିଥ୍ ଦ ମେଜରିଟି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ N2 ଷ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେକ୍, N1, N2, N3 ଆଣ୍ଡ REM। ତ N1 ଆଉ N3 ବି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର NREM ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ରାପିଡ୍ ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର REM ରହିଲା ରାପିଡ୍ ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ମିନିମମ୍ ଆମର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି 75% ସ୍ଲିପ୍ ଆମର NREM ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମେଜରିଟି ସ୍ପେଣ୍ଡ କେଉଁଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ N2 ଷ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ଡ୍ରାଉଜି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଫାଷ୍ଟ 5 to 10 minutes ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ। ତ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର 5-10 minutes, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡ୍ରାଉଜି ଷ୍ଟେଜ୍। ତାକୁ କ'ଣ ନା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ୱେକ୍ଫୁଲନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍, ହୋୟା ଦ ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଥିଟା ୱେଭ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା, ୱେକ୍ଫୁଲନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା, ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା, ବ୍ରେନ୍ ଥିଟା ୱେଭ୍ସ ଆମର ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଇଟ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଲାଷ୍ଟ ଏବାଉଟ 20 minutes ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ରିଦିମିକ୍ ବ୍ରେନ୍ ୱେଭ୍ସ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଲ୍ସ, ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଟ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 20 minutes ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବି ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 କ'ଣ ରହିଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଡରେଟ୍, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 3, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଡରେଟ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଡିପ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲୋୟର ବ୍ରେନ୍ ୱେଭ୍ସ କଲ୍ଡ ଡେଲ୍ଟା ୱେଭ୍ସ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ସ୍ଲୋ ୱେଭ୍ସ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ ଡେଲ୍ଟା ୱେଭ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 4, ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା, ଏ ଭେରି ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏବାଉଟ 30 minutes, ଏଇଟା ଆମର କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ନା, 30 minutes ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କରେ। ଇଫ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ୱାକିଂ, ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ଅକର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ଲିପ୍ ୱାକିଂ ରହୁଛି ପ୍ରୋନ୍, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ଅକର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଜ୍, ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ 5, ଷ୍ଟେଜ୍ 5ରେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ରାପିଡ୍ ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମସଲ ବିକମ୍ସ ମୋର ରିଲାକ୍ସଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ବ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଆକ୍ଟିଭ୍, ଡ୍ରିମିଂ ଅକର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ 5 ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାରାଲାଇସନ୍ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ମସଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟେଜ୍ 5 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାପିଡ୍ ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା, ଡ୍ରିମିଂ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 5ରେ ଦେଖିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ବ୍ରେନ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ମସଲ ଆମର ପାରାଲାଇସିସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଉଜୀ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଇମେଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
आर इमेज टी निश्चिंत प्रोवाइड करदेवि। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते जोटा कि आप कहार देखो नौ नंबर द वोल्टेज निडेड टू प्रड्यूस सीजर्स व्हाइल गिविंग ईसीटी कौन दैट इज आमर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी। ठीक अच्छे तो आम के भोल्ट निडेड करूँ गोटे सीजर देवाई ईसीटी दे देखो ऑप्शन कौन देती 180 रु 220 वोल्ट ना 40 रु 70 वोल्ट ना 150 रु 200 वोल्ट ना 70 रु 120 वोल्ट। ठीक अच्छे तो आम ईसीटी सीजर देवाई के वोल्टेज को निडेड कर। ठीक अच्छे तो यही चार अप्सन भितर जब आपको राइट आंसर जाना था सागे सागे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम आप कमेंट अपेक्षार अच्छे आप निश्चिंत कमेंट्स रिप्लाय दबू। ठीक अच्छे तो आपत कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करूँ निश्चिंत आपर नलेज निश्चिंत भी ग्रो हे तो ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते आप कौन देती ना इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक अच्छे तो इमोशन आम क्या द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक अच्छे देखा कैसे पे राइट आंसर जाना अच्छी ऑप्शन देखो ऑप्शन ए दैट इज लिम्बिक सिस्टम ना सेरेब्रम ना हाइपोथैलेमस ना सेरेबेलम। ठीक अच्छे तो आम क्या द्वारा ये जो चारिटे ऑप्शन देखिए आम इमोशन कंट्रोल होता है आपको ये राइट आंसर कहार अच्छे तो देखा कैसे पे राइट आंसर दौरान जल्दी आपको राइट आंसर जाना था सागे सागे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो राइट आंसर कौन हम दैट इज आम ऑप्शन ए दैट इज लिम्बिक सिस्टम तो आम इमोशन क्या द्वारा कंट्रोल होता है दैट इज लिम्बिक सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है तो आपको देखे देखते एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना द लिम्बिक सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड डीप विदिन द ब्रेन इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियरल एंड इमोशनल रेस्पॉन्स। कौन कहला आमर लिम्बिक सिस्टम गोटे इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर जोटा कि आम विदिन द ब्रेन जोटा कि डीप विदिन द ब्रेन थाए आईटा मेनली कौन करे ना रेस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियरल एंड इमोशनल रेस्पॉन्स। ठीक अच्छे इमोशनल रेस्पॉन्स और बिहेवियरल रेस्पॉन्स को ये मेनली मेंटेन करते हैं। ठीक अच्छे तो आप मन में क्वेश्चन आंसर थोड़ा कि आम हाइपोथैलेमस हम बोली। ठीक अच्छे तो आपको कह रखुच्छी हाइपोथैलेमस जमा भी हमनी हाइपोथैलेमस आम कौन करे ना आम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करे सागे सागे कौन करे ना रेगुलेट इमोशनल रेस्पॉन्स आम कि मात्र इमोशनल रेस्पॉन्स को भी आम कौन करे रेगुलेट करे दैट इज आम जो रहा सब आम सेक्सुअल बिहेवियर तो ये सब को आम हाइपोथैलेमस भी आम मेंटेन करे किंतु जेहेतु ये देती आम लिम्बिक सिस्टम तो लिम्बिक सिस्टम अंडर में आम हाइपोथैलेमस तो आम ये से राइट आंसर हम लिम्बिक सिस्टम। ठीक अच्छे तो आप देखो आपको मुझे रखुच्छी लिम्बिक सिस्टम जो पांच टी पार्ट कौन कौन ना गोटे देखो सांगुलेट गायरस गोटे हूँ थैलेमस गोटे हूँ हाइपोथैलेमस गोटे हूँ अमाइग्डाला गोटे हूँ हाइपोकैंपस। ठीक अच्छे तो भाई आप निश्चित बुझीपारे तो आम लिम्बिक सिस्टम अंडर में आम आँ दैट इज आम हाइपोथैलेमस भी आसूँ जेहतु लिम्बिक सिस्टम देती तो आम राइट आंसर लिम्बिक सिस्टम ही हम। ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे भाजपा आप निश्चिंत बुझीपारे क्वेश्चन टी आ हाँ आपको सब वीडियो केमी लगेगा निश्चिंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ जदि आपको वीडियो टी भल लगी टी भी इंटरेस्टिंग लगी आम हार्ड वर्क को आपने सपोर्ट करने चाहते देन एटा रहा आम फोनपे और पेटीएम नंबर देन आप कैपेबल अनुजाई आपने किसी भी अमाउंट पेमेंट करेंगे आम हार्ड वर्क को सपोर्ट करने आ हाँ जो मैंने भी ये पेमेंट करुँ देन तार स्क्रीनशॉट आमको आम नंबर में व्हाट्सअप अच्छे आमको सेंड कले आम आपको गोटे इंटरेस्टिंग ग्रुप में आड करदेव जो थे कि आम ओटी एग्जाम रिगार्डिंग किसी टिप्स आपको डाउट भी आपको पचारिपारे आउ कि आम क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँ तो ठीक अच्छे जदि आपड़ किसी भी अमाउंट आप पेमेंट कर 100, 200, 300 जहाँ भी देन आपने स्क्रीनशॉट निश्चित प्रोवाइड करूँ आम आपको से ग्रुप में आड करदेव तो ठीक अच्छे जदि आपको भिडियो भल लगी है निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आप सांग सहित आपंकर सब ग्रुप में भिडियो को सेयार कर दिखाँ जमीक सब पिला भिडियो लाभ पारे आउ हाँ जब एपर्तंत सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को अल् रखु आउ गोटे क्या कहूँ यही भिडियो को बनाया मत अधिक टाइम लगेगा कारण मत निजुक भी भलसे बुझार अच्छे साइकेट्रिक जानते हैं आपके डिफिकल्ट लगे तो मत भी टी बुझा बहुत समय लगे तो मुझे बहुत कष्ट भिडियो बनई तो भिडियो को भलसे रेस्पन्स दिखाँ आ बहुत मात्रा सेयार करूँ आप सब ग्रुप में आटस आपने निश्चिंत भिडियो को रखिपारे आम ये बहुत गुड क्लासेस डिस्कशन कर सारे यदि आपने सब भिडियो को देखी ना तो डिस्क्रिप्शन में सब भिडियो लिंक अच्छी जैसे आपने भिजिट करेंगे ना चैनल को भिजिट करेंगे आज जब व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे जाकर जल्दी जल्दी जॉइन ना सीट आम किसी भी अपडेट किसी भी न्यू भिडियो छाड़ू आपने सर्वर प्रथम पारे। ठीक अच्छे आज भिडियो टी एक नेक्स्ट देखा आगामी एमती इंटरेस्टिंग भिडियो सहित तो आज रही जय जगन्नाथ।